जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की पहली इमेज यूनिवर्स की आज तक कैप्चर की गई सबसे डीपेस्ट और शार्पेस्ट इंफ्रारेड व्यू इमेज है। स्मैक्स 0723 गैलेक्सी क्लस्टर की ये इमेज डिटेल से भरी है और इसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की पहली डीप फील्ड इमेज भी कहा जा रहा है। इस इमेज में यूनिवर्स की कुछ गैलेक्सीज और कुछ सबसे धुंधले ऑब्जेक्ट्स को इंफ्रारेड व्यू में पहली बार जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इस इमेज में कैप्चर किया गया। लेकिन जहां सभी इस इमेज की डिटेल्स और इसमें कैद शार्प ग्रेविटेशनल लेंसिंग को देखकर काफी हैरान थे, वहीं इस इमेज में कुछ छिपा था जो हमसे बस मिस होने वाला था। पेब अपनी ऑपरेशनल होने के बाद इतना पावरफुल साबित हुआ है कि ये हमसे कई बिलियन लाइट ईयर्स दूर की गैलेक्सीज के इंडिविजुअल स्टार क्लस्टर्स को देखने में कामयाब रहा है और जिसका सबसे नोटेबल केस है स्पार्कलर गैलेक्सी जो इस इमेज के ठीक सेंटर के करीब मौजूद है। वेब ने इस गैलेक्सी को देखने पर इसमें एक नहीं बल्कि 12 पोटेंशियल ग्लोबुलर क्लस्टर्स को स्पॉट किया है। लेकिन इन ग्लोबुलर क्लस्टर्स में ऐसा क्या खास है, क्यों इन्हें यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है और कैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की ये नई डिस्कवरी हमारी मदद कॉस्मिक डॉन के एरा को बेहतर तरह से समझने में करेगी, आइए इसके बारे में शुरुआत से जानते हैं। इन स्टार क्लस्टर्स में कुछ 100,000 या कुछ 10,00,000 सितारे होते हैं, लेकिन इन्हें हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जो हैं ओपन और ग्लोबुलर क्लस्टर्स। जो ओपन क्लस्टर्स होते हैं उनमें कुछ 10 से कुछ 100 सितारे होते हैं जो आपस में एक ग्रुप में होते हैं, लेकिन ये ओपन क्लस्टर काफी अनस्टेबल होते हैं और इनके वो सितारे कुछ मिलियन सालों में ही इनसे बाहर निकल जाते हैं। यही वो कारण है जिसकी वजह से ये ओपन क्लस्टर हमें इरेगुलर और स्पाइरल गैलेक्सीज में देखने को मिलते हैं जहाँ पर नए सितारों की फॉर्मेशन काफी ज्यादा होती है, न कि इलिप्टिकल गैलेक्सीज में, क्योंकि इन गैलेक्सीज में सितारे बहुत कम नंबर में बनते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ ग्लोबुलर क्लस्टर्स काफी बड़े और काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट रहते हैं। इनमें कई मिलियन सितारे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और ये क्लस्टर्स हमें हर तरह की गैलेक्सीज में देखने को मिलते हैं। हमारी ही मिल्की वे गैलेक्सी में हमें 150 ऐसे क्लस्टर्स मिले हैं और जिनका ये नंबर इससे भी कहीं बड़ा हो सकता है। कई दशकों से रिसर्च का एक काफी एक्टिव टॉपिक रहने के बाद भी हम ये नहीं जानते कि इनकी फॉर्मेशन कहाँ और किस तरह से होती है। हालांकि इनकी फॉर्मेशन से जुड़े हमारे पास दो जर्नल व्यूज हैं, जिनमें से एक ये है कि इन ग्लोबुलर क्लस्टर्स की फॉर्मेशन एक ऐसा फिनोमिना है जो काफी रेड शिफ्टेड होता है और जिसका इनिशियल गैलेक्सीज की फॉर्मेशन के साथ कोई डीप कनेक्शन है। इस मॉडल के अनुसार इन क्लस्टर्स का निर्माण अर्ली यूनिवर्स में हुआ था और इनकी क्रिएशन का फेस इनके आज के ड्राइविंग स्टार फॉर्मिंग फेस से काफी अलग है। इनसे जुड़ा दूसरा व्यू ग्लोबुलर क्लस्टर्स को स्टार बस्टिंग और मर्जिंग गैलेक्सीज में मिले नए सितारों के साथ जोड़ता है। इस मॉडल के अनुसार ये ग्लोबुलर क्लस्टर्स कंटिन्यूअस गैलेक्सी एवोल्यूशन का एक नेचुरल प्रोडक्ट हैं। लेकिन हमारी गैलेक्सी में मिले ज्यादातर ग्लोबुलर क्लस्टर्स की एज लगभग 12.5 बिलियन साल के करीब है, तो इस वजह से इस पर वो पहला मॉडल बेहतर तरह से फिट होता है। तो इस तरह से ये यूनिवर्स की अर्ली स्टेजेस में बने पहले लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हम इनकी फॉर्मेशन के दोनों मॉडल्स में से सही को ऑब्जर्वेशन के द्वारा पता लगाने के मोड पर हैं, क्योंकि ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लाइट के इंफ्रारेड व्यू में आसानी से देख सकता है और ये इस तरह से ग्लोबुलर क्लस्टर्स की फॉर्मेशन की रेड शिफ्टेड लाइट को भी आसानी से देख पाएगा। हाल ही में पब्लिश हुए एक रिसर्च पेपर में रिसर्चर्स ने वेब की फर्स्ट इमेजेस के डेटा को एनालाइज करते हुए एक गैलेक्सी के पास दिखे पॉइंट सोर्सेस को स्टडी किया। इस गैलेक्सी को इन रिसर्चर्स ने स्पार्कलर गैलेक्सी का नाम दिया। ये गैलेक्सी हमसे लगभग 9.1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है,
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इमेज में इस स्पार्कलर गैलेक्सी को फोरग्राउंड की एक गैलेक्सी स्मैक्स 0723 ने ग्रेविटेशनली लेंस किया है और जिसकी वजह से ये काफी मैग्निफाइड दिखाई दे रही है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग ने ना ही इस स्पार्कलर गैलेक्सी को केवल मैग्निफाई किया है बल्कि इसने स्पार्कलर्स का एक डिस्टॉर्टेड व्यू और इसके मल्टीपल वर्जन्स हमें दिखाए हैं। लेकिन इस स्पार्कलर गैलेक्सी के तीनों वर्जन्स में ही हमें वो डॉट्स देखने को मिले हैं। स्पार्कलर गैलेक्सी के अराउंड के इन पॉइंट सोर्सेस को स्पार्कल्स का नाम दिया गया है। लेकिन हम ये कैसे जानते हैं कि ये ग्लोबुलर क्लस्टर्स हैं बजाय इस गैलेक्सी की छोटी ड्वार्फ सैटेलाइट गैलेक्सीज के? तो इसका आंसर है स्टेलर मास और सरफेस डेंसिटी। इन स्पार्कलर्स का एवरेज मास 1 मिलियन से 10 मिलियन सोलर मासिस के बीच है जो कि यूनिवर्स की उस एज पर किसी ग्लोबुलर क्लस्टर की मास के साथ कंसिस्टेंट है। इसके अलावा उस स्पार्कलर गैलेक्सी का खुद का मास भी 1 बिलियन सोलर मासिस के आसपास है जो कि लार्ज मैजेलनिक क्लाउड से काफी सिमिलर है। इन ऑब्जेक्ट्स में से जिन्हें 1 से 12 तक नंबर दिए गए हैं, इनमें 9 नंबर को इस एनालिसिस में इंक्लूड नहीं किया गया बिकॉज ऑफ हाई सिग्नल टू नॉइस रेशियो। इसी के साथ 11 और 12 नंबर पूरी तरह से इस गैलेक्सी को ओवरलैप कर रहे हैं जिसके कारण इनकी लाइट होस्ट गैलेक्सी के साथ मिक्स हो रही है। बाकी के बचे 9 ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करके रिसर्चर्स ने कंफर्म किया कि इनमें से 5 तो पक्के तौर पर ग्लोबुलर क्लस्टर्स हैं और बाकी के बचे लाइट से काफी ज्यादा कॉन्टेमिनेटेड हैं और जिसकी वजह से इनकी कंफर्मेशन करना बेहद मुश्किल है। इन कंफर्म्ड ग्लोबुलर क्लस्टर्स के स्टार फॉर्मिंग रेट को जब स्टडी किया गया तो ये अर्ली यूनिवर्स के लगभग एक जैसे टाइम पर ही पीक हुआ। इसी के साथ 9 नंबर वाले ऑब्जेक्ट ने भी सिमिलर ही बिहेव किया लेकिन उसके ग्लोबुलर क्लस्टर होने की कंफर्मेशन अभी नहीं हुई। अभी आप ये सोच सकते हैं कि आखिर वैज्ञानिकों ने इन सभी चीजों का पता कैसे लगाया? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन 3 स्पेक्ट्रल लाइन जिसकी वेवलेंथ 500.7 नैनोमीटर्स की है। ये स्पेक्ट्रल लाइन खास इस वजह से है क्योंकि ये ऑनगोइंग स्टार फॉर्मेशन का क्लासिक सिग्नेचर है लेकिन ग्लोबुलर क्लस्टर कैंडिडेट्स के लोकेशन में इसकी एब्सेंस इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती है कि ऑब्जर्वेशन के टाइम पीरियड के दौरान ये काफी स्टिल सिस्टम्स थे। तो रिसर्चर्स ने ऑक्सीजन 3 स्पेक्ट्रल लाइन मैप्स को स्टडी करके पता लगाया कि ये सभी ग्लोबुलर क्लस्टर्स काफी स्टिल स्टेट में है। इसका मतलब है कि इनमें स्टार फॉर्मेशन पूरी तरह से रुक चुकी है और ये अब मेनली पुराने और मरते हुए सितारों से भरे हैं। इस डिस्कवरी से जुड़ी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सारे ही ग्लोबुलर क्लस्टर्स 13 बिलियन साल से भी ज्यादा पुराने हैं और ये हमारे द्वारा खोजे गए अभी तक के सबसे पुराने क्लस्टर्स हैं। इसी के साथ इनका कलर भी बिग बैंग के पहले 500 मिलियन सालों में ओरिजिनेट हुए स्टार्स के साथ कंसिस्टेंट है। रिसर्चर्स का मानना है कि ये वही समय है जब पहली गैलेक्सीज की फॉर्मेशन हुई होगी। अगर ये एज कंफर्म होती है तो इन ग्लोबुलर क्लस्टर्स की फॉर्मेशन और गैलेक्सीज की असेंबली के इनिशियल फेस में कोई गहरा नाता हो सकता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग डिस्टेंट यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए और एस्ट्रोनॉमर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल फिनोमिना है। ये यूनिवर्स के ऐसे हिस्सों और रीजन्स को मैग्नीफाई और एक्सपोज करता है जो आमतौर पर हमारी नजरों से छिपे रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सितारे अर्नडेल को ही ले लीजिए जो कि यूनिवर्स में मिला सबसे दूर का सितारा है। इसकी खोज भी ग्रेविटेशनल लेंसिंग की बदौलत ही मुमकिन हो पाई। अब देखना ये है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आने वाले समय में यूनिवर्स में ऐसे रीजन्स में किन किन ऑब्जेक्ट्स की डिस्कवरी करता है। आपका क्या कहना है इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसके साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।